हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 9, दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर को समझने से पहले आपको पिछले 3 चैप्टर क्लियर होने चाहिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तभी मैंने इस चैप्टर को करवाने से पहले मैंने आपको वो 3 चैप्टर करवाए, क्योंकि उन्हीं के तीनों के बेसिस है ये चैप्टर, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले वो तीनों चैप्टर रिवाइज करने हैं, फिर ये चैप्टर समझना है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोड्यूसर होता कौन है, हु इज अ प्रोड्यूसर। ए प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल। जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी तरह से प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है ताकि वो उन गुड्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सके। ही सप्लाइज दीज गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। वो क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करता है ताकि उसके प्रॉफिट बढ़े। द प्रोड्यूसर हायर फैक्टर ऑफ सर्विसेज द प्रोड्यूसर हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइज देम टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विस। वो रॉ मटेरियल खरीदता है, लेबर को अरेंज करता है, लैंड लेबर कैपिटल सब कुछ अरेंज करता है और फिर गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ए प्रोड्यूसर रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। सेल करने के बाद जो भी उसको रिसिप्ट मिलती हैं वो सारी उसकी क्या है, रेवेन्यू। द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। अगर वो अपनी सेल को एक यूनिट और बढ़ाते हैं तो जितनी उसकी रेवेन्यू बढ़ती है वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो 10 गुड्स को सेल करता था तो रेवेन्यू थी 100, ओके। अब 11 गुड्स को सेल करता है तो रेवेन्यू है 110, तो कितनी रेवेन्यू बढ़ी, 100 से रेवेन्यू कितनी होगी, 110। तो जो 10 रुपीज़ उसकी रेवेन्यू बढ़ी है वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। द टोटल पेमेंट दैट अ प्रोड्यूसर मेक फॉर द सर्विस ऑफ फैक्टर। हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो भी कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स का खर्चा होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, वो सारी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, लैंड का खर्चा, इंटरेस्ट रेट का खर्चा, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आया वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, वही पहले 100 रुपीज़ खर्चा था बनाने का, अब 110 है, तो जितनी कॉस्ट बढ़ी वो भी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। देखो, एक प्रोड्यूसर का मेन मकसद क्या है, रेवेन्यूज को इंक्रीज करना और कॉस्ट को कम करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी रेवेन्यू होगी उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, उसके प्रॉफिट्स होंगे। व्हेन द डिफरेंस इज मैक्सिमाइज, जब उसकी रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होएगा उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट्स उसके बढ़ेंगे। अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विस विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो मकसद ही क्या है उसका, गुड्स को बेच के प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ओके, तो प्रोड्यूसर समझ आई, प्रोड्यूसर कौन है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है ताकि अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सके। अब हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब देखो, सेकंड पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन को बोला जाता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। वो कंडीशन, वो सिचुएशन यहाँ पे एक प्रोड्यूसर फुली सेटिस्फाइड होता है, फुली प्रॉफिट अटेन करता है, वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ए प्रोड्यूसर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम दैट लेवल ऑफ आउटपुट। वहाँ पे होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सिचुएशन जहाँ पे उसके प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होते हैं, जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन पे। एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट विल यील्ड लो प्रॉफिट। किसी और से उसको जो लो मिलती है तो वो प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है। तो हम शो कैसे करते हैं, पाई इज इक्वल्स टू टी आर माइनस टी सी। फॉर एग्जाम्पल, टोटल रेवेन्यू है 100 और टोटल कॉस्ट है थी 80, तो 100 टोटल रेवेन्यू है और कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज़। तो पाई मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने हुए यहाँ पे उसके, 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे जिस सिचुएशन में, वही होगी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब मैं इस टॉपिक को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, वहाँ से आपको और क्लियर होगा। देखो, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, प्रोड्यूसर की 3 केसेस दिखाए गए हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस।
फर्स्ट केस में कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज़ है. ओके, रेवेन्यू कितनी है? 50 रुपीज़ है. अगर वो कॉस्ट 10 रुपये लगा के उसको बेच कितने पे रहा है? 50 पे, तो प्रॉफिट कितने हुए? 40. अब सेकंड केस देखो, सेकंड उसकी कॉस्ट कितनी है? 20, और बेच कितने पे रहा है, सेल कितने पे कर रहा है? 50 पे. अब रेवेन्यू कितनी हुई यहाँ पे? 50 - 20 = 30. अब थर्ड केस देखो, थर्ड में कॉस्ट प्राइस कितना है? 30, और सेल प्राइस कितना है? 50, और रेवेन्यू कितनी हुई? 20. तो स्टूडेंट्स बताओ किस केस में उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, किस केस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है? यस, दैट इज़ फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, 40 है, सबसे ज़्यादा है. तो जहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होते हैं उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मैक्सिमाइज प्रॉफिट. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पे है. किस केस में? फर्स्ट केस में. ओके, तो डेफिनेशन है, इट इज़ अ कंडीशन सिचुएशन वेयर प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम सेल द लेवल ऑफ आउटपुट. बेचने के बाद जहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुए वो सिचुएशन ही है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. ओके, अब नेक्स्ट देखो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट. अगर आपको बोले कि फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट क्या क्या है, तो आपने टी आर में से टी बी सी माइनस करनी है. TR मतलब टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू में से TVC हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में किया था, TVC और TFC. ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए TR में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है. और सेकंड केस है नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे फाइंड करने के लिए? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट ही माइनस करेंगे. टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड भी वेरिएबल भी, दोनों को माइनस करना है. ओके, तो ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों लर्न करने हैं. अब है सिचुएशन, अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है. सबसे पहले अब नॉर्मल प्रॉफिट. अब नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होती है टोटल कॉस्ट से. टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होती है किससे? टोटल कॉस्ट से. फर्स्ट पॉइंट समझ आया? अगर हमारी रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो वो कौन सी सिचुएशन है? अब नॉर्मल प्रॉफिट. सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे इक्वल होते हैं, जितनी रेवेन्यू उतनी कॉस्ट. मान लो हम 100 रुपीज़ खर्चा करें और 100 रुपीज़ ही कमा रहे हैं, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है, कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है. ओके, थर्ड है सब नॉर्मल. सब नॉर्मल का मतलब बिल्कुल लॉस में ही है हम. ओके, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है. ये तीनों केसेस आपने पढ़ने हैं. ओके, तो आज का होमवर्क क्या है आपका? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लर्न करना है. ये पिक्चर्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप यहाँ से भी इसके नोट्स बना सकते हो इस टेबल और मीनिंग डेफिनेशन से. ओके, थैंक यू.